आप देख रहे हैं खबर सिटी न्यूज। खबरों के तेज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जांजगीर में पत्थरगांव मामले को लेकर भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यहां भाजपा के प्रदेश महामंत्री विधायक नारायण चंदेल, सांसद गुहर अमजगले और जिला अध्यक्ष कृष्णकांत चंद्रा मौजूद थे। मीडिया से बात करते बीजेपी नेताओं ने कहा कि जसपुर जिले के पत्थरगांव में हुए दर्दनाक हादसे में मृतक को 1 करोड़ और घायलों को 50-50 लाख रुपये छत्तीसगढ़ की सरकार दे। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री नारायण चंदेल ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वयं पत्थरगांव जाए और वहां के हालात को देखे, मृतक और घायलों के परिजन से मिले। कांग्रेस के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को पत्थरगांव बुलाना चाहिए और हो सके तो सोनिया गांधी को भी बुलाए। छत्तीसगढ़ के सीएम उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी गए थे, लेकिन 4 दिन बाद भी पत्थरगांव नहीं गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर सिटी न्यूज। हमारी खबरों को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं। पत्थरगांव में जो दशहरे के दिन विभत्स घटना हुई, दर्दनाक हादसा हुआ है और जिसके इस घटना की पूरे प्रदेश में निंदा की जा रही है। हमारी मांग है कि पत्थरगांव में जो मृतक है उसको 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि छत्तीसगढ़ की सरकार प्रदान करे। वहां पर जो 20 लोग घायल हुए हैं उनको 50-50 लाख रुपए की सहायता राशि उनके परिवारजनों को छत्तीसगढ़ की सरकार दे। और हमारा आग्रह है कि उस पूरे घटना की, पत्थरगांव में जो हादसा हुआ है, उसकी पूरी न्यायिक जांच कराई जाए और इसके लिए जो भी दोषी है, जो भी जिम्मेदार है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो। जो जाइलो का ड्राइवर पकड़ा गया है, जिसकी गाड़ी में गांजा जब्त हुआ है, जो बहुत तेज गति से, तीव्र गति से चला करके इस घटना को अंजाम दिया है, इस विभत्स घटना में, इस दर्दनाक घटना में जो ड्राइवर और कंडक्टर पकड़ा गया है, उसके मोबाइल को पूरी तरीके से सर्च किया जाए, उसकी जांच की जाए, उसमें बहुत सी चीजों की सच्चाई सामने आएगी। हमारा आग्रह है छत्तीसगढ़ की सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी से।